सिर्फ मैं आपको भूलने की सजा दूंगा, के अंदर मैं आपको दस साल बाद सकते आज हम वापस एक बार रिव्यू के लिए निम्नलिखित संख्याओं का महत्व से क्या करते हैं। पहले सवाल में बोल सकते हैं 3324, दूसरे में 2852। अब इसका विषय महत्व से क्या करने के लिए मैंने बताया था, पहले हम सभी संख्याओं का अलग अलग भाज्य गुणन की क्या करते हैं। सबसे पहले हमारे पास संख्या दो के पारे में रखा, दो के पारे में रखा, दो एक और दो, दो की चार, दो की आठ, दो सौ के आठ, दो पर के दस, दो तीन बारह, दो से सोलह, दो पर के सोलह, दो पर के अठारह, नौ। ये नौ पे जाएगा तीन, तीन एक और तीन, तीन दो तीन से तीन, और फिर तीन का बारह तीन में एक। इसी प्रकार चौबीस कोई भाग सबसे पहले दो का लगेंगे, दो एक कम दो, दो दो नीचे कितनी बार गया, बारह बार गया। अब दो एक कम दो, दो दो नीचे दो किया से दो सौ के आठ, दो पंद्रह दस, दो तीन बार दो का भाग भी बारह में गया छः। फिर छः के अंदर दो का भाग, दो एक कम दो, दो दो नीचे दो किया से दो किया छः, फिर तीन। अब हम बनाएंगे इनके सब चार अंक की 36 बराबर ये दो बार यहाँ इसमें दो तीन बार है तो ये दो तीन बार तो ये तीन दो तीन फिर 24 दो देखिए दो का समूह, फिर दो का समूह बनता है और फिर तीन का समूह बनता है, यानी इसके आपके तीन समूह बन रहे हैं, वो दो के बन रहे हैं, एक तीन का बन रहा है। हम क्या करते हैं, ठीक है, छत्तीस और चौबीस की छत्तीस और चौबीस के बस। अब देखिए दो एक समूह में से एक कर, दूसरे समूह में से भी एक कर, तीसरे समूह में से भी एक कर। अब आपको क्या करनी है, तीन तीनों के बस, तीन को दो से किया, तीन को छह, छह को दो से किया, छह को भी पांच, इस प्रकार से आप सरल तरीके से समझ से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से सवाल नंबर एक की आपका तीन दूसरा सवाल का तीन संख्याएं हैं, इसी प्रकार से हल करना। सबसे पहले 28 का अभाग दो का भाग करेंगे तो दो एकम दो, दो सौ के आठ सौ के अलग, फिर दो का दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीन छह, दो सौ के आठ, दो पंद्रह दस, दो तीन दो सत्य चौदह सात, और फिर सात का भाग एक, फिर चौपन इसी प्रकार चौपन का भाग आप लगा लेते हैं कि इतनी सीधा नहीं लगा सकते, तो सबसे पहले दो दूनी चार एक चार उत्तर में सात दूनी चौदह सत्ताईस आता है तीन के बाद नौ किया सत्ताईस, फिर
फिर तीन के पार्ट में बी और फिर तीन के पार्ट में ए। इसी प्रकार से आपको अवकल निकालना है। अवकल के अंदर दो का सबसे पहले तीन यूनिट्स है, एक हो गया दो, दो चार बारह छत्तीस, फिर दो का पार छत्तीस है, दो का पार वहां का दो एक छह दो अठे सोलह अठारह, फिर दो का पार में अठारह नौ, फिर तीन का सबसे पहले तो दो कितनी बार आए थे, तीन, एक दो तीन, तीन भी नहीं इसके अंदर, और फिर सात। इसे करने से जगह छोड़ने से अपने जो सुबह बनेंगे उसे बनाने में आसानी रहेगी। फिर सौ का दो इंटू दो लिखे दो लिखे तीन इंटू तीन बहत्तर दो एक दो तीन, तीन है दो का। अब देखिए इसके अंदर समूह कितने संख्या का बन रहा है, केवल एक ही अंक का समूह बन रहा है, दो है तो क्या है दो। तो हम यहां लिखेंगे अट्ठाईस चौपन और बहत्तर का इस प्रकार से आप सवाल के मर्सर को हमारे यूनिट में यूनिट के द्वारा क्या कर सकते हैं। अब हम इंग्लिश विषय का सब्जेक्ट है, अंग्रेजी में आज हम कन्वर्सेशन पर बोला लेक्चर, क्लास के अंदर आपका बोला लेक्चर होता है उसके बारे में F A T H E are father's and they are in F.
व्हाट इज योर फादर नेम, आपके पिताजी का क्या नाम है? तो सर एम बाय माई एफ ए टी एन जी आर एस फादर्स एम ए एम ए एन सी. अब आपके पिताजी का जो नाम है वो आपको यहाँ पे पिता को करना है. सर माई फादर नेम सी, कुछ भी नाम होता है तो नाम आपको यहाँ पे पिता को करके इस सेंटेंस को पूरा करना है. फिर दूसरे जेटी बार आई एस इज वाई को यू आर योर एफ ए टी एच आर फादर, व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या करते हैं? अब एक सबके पिताजी अलग अलग काम करते हैं. जैसे सर माय फादर इज अ डॉक्टर, सर माय फादर इज अ शॉपकीपर, सर माय फादर इज अ टेलर, या माय फादर इज अ कारपेंटर, या माय फादर इज अ बार्बर. जो काम करते हैं उसको आपको यहाँ पे लिखना है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर वी ओल्डिस आई, हाउ ओल्ड आर वी, आपकी आयु कितनी है? तो सर आई एम योर पिलर यूनिट फॉर आई एम इयर्स ओल्ड, अगर कोई 5 साल का है तो सर आई एम 5 इयर्स ओल्ड, कोई 8 साल का है तो सर आई एम 8 इयर्स ओल्ड, 10 साल का है सर आई एम 10 इयर्स ओल्ड. आप इसको मतलब अपनी आयु से कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे 5 प्रश्न लिखे, आगे तीन और अगले प्रश्नों की जानकारी करेंगे. आपको क्या करना है, छोटी उदाहरण है और ये जो टेस्ट टेस्ट मैंने छोड़े हैं यहाँ पर आपको साइंस इन्हें फिलअप करना है और फिर इसको हमें फोटो भेज के व्हाट्सएप पे बता देंगे, अभी पता चले कि आप करके काम कर रहे हो या नहीं. तो देखिएगा वापस इसी में बताता हूँ आपकी जैसे नीचे प्रश्न नंबर एक आपसे लिए कि पीछे पीछे दोहराना है. पहला प्रश्न है व्हाट इज योर नेट, व्हाट इज योर नेट, यानी आपका नाम क्या है? क्या नाम है सर? माय नेम, ये जो नाम होगा वो आपका एंटिटी होगा. फिर हू आर यू, आप कौन है? सर आई एम ए स्टूडेंट, ये मान के मैं ए स्टूडेंट. व्हाट इज योर फादर नेम, आपके पिताजी का क्या नाम है? सर माय फादर्स नेम सी, अब जो नाम होगा पिताजी का वो आपको यहाँ पे लिखना है. व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या करते हैं? जैसे पता नहीं लगे आपको सर माय फादर इज ए डॉक्टर, माय फादर इज ए टीचर, माय फादर इज ए कारपेंटर, माय फादर इज ए बार्बर, माय फादर इज ए प्लम्बर, जो वर्क करते हैं उसको आपको यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर यू, आपकी आयु कितनी है? सर आई एम जो आई जो भी उसको आपको यहाँ लिखना है. सेम थिंग आपको सर आई एम ए एस और आपकी तो होगी उठाई आपकी तो याद करिए और कोई भी अगर आपसे पसंद पूछे इंग्लिश के प्रकार से तो उसका तुरंत जवाब